हाय दोस्तों, मैं हूं आलम और आप लोग देख रहे हैं आलम प्लम्बर टिप्स। आज मैं आपको इस बाथरूम में वो वाटर लेवल को मेंटेन करना सिखाऊंगा। मतलब जहां पे हम लोग वाटर टैंक रखेंगे वहां पे हाइट कम है, और हाइट कम होने की वजह से वाटर का लेवल हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे ताकि वो बराबर फोर्स में पानी आता रहे। तो फिलहाल पहले हम ग्लेंडर से पहले झीरी काट लेते हैं और ब्रेकर से इसको चिपिंग कर लेते हैं। उसके बाद का आगे का फिटिंग का प्रोसेस मैं आपको दिखाते हैं। उससे पहले मैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के, तब तक आप लोग बने रहिए अंत तक वीडियो के, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो पहले चिपिंग करने वाला है इसको पहले हम चिपिंग कर लेते हैं, फिर हम फिटिंग दिखाते हैं। बस लगभग हमारा चिपिंग का प्रोसेस भी पूरा होने वाला ही है। तो अब हम फिटिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमने थोड़ा एक पाइप एक टुकड़ा फिट कर लिया है, मतलब जहाँ से हम लोग मेन लाइन लेके जाएंगे वाटर टैंक लगाने के लिए वहाँ का पाइप हमने लगा के छोड़ दिया है। अब यहाँ से हम 45 आगे मारेंगे और ऊपर मेन लाइन का लाइन लेके जाएंगे जिसमें हम वाटर टैंक लगाएंगे। फिलहाल ये जो आपको टी दिख रहा है फीमेल टी, तो ये आपका वाटर टैप का लाइन, एक टैप रहेगा कपड़ा वपड़ा धोने के लिए। और ये रहा हमारा कैंसिल का, जो यहाँ पे दो दिख रहा है आपको टी लगा हुआ फीमेल, एक तो आपका वाश बेसिन का है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला जो मेरे सामने है जहाँ पे मैं पाइप काट रहा हूँ वो सामने वाला आपका टैप का लाइन है, इससे कपड़ा वपड़ा धोएंगे। और रह गया यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं फिटिंग कर रहा हूँ, ये आपका कैंसिल कॉक का लाइन है। मतलब यहाँ पे सिर्फ ठंडा लाइन है, गर्म का कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब इनको सिर्फ ठंडा लाइन चाहिए कैंसिल का ही, इसीलिए कैंसिल का फिटिंग ये हो रहा है। अभी हम यहाँ पे टी लगा के कैंसिल का फिटिंग करेंगे, कैंसिल ऊपर लगाएंगे और इस तरफ जो आपको एल्बो लगा हुआ दिख रहा है सादा, ये आपका जाएगा टॉयलेट में टॉप के लिए। मतलब टॉयलेट में भी तो पानी चाहिए ना। ये रहा हमारा कैंसिल का लाइन, और कैंसिल लाइन लगा लिया हूँ। अब शावर का लगाना बाकी, वो शावर हम लगा लेंगे। फिलहाल आपको हम टॉप पे लेके चलते हैं एकदम वाटर टैंक के लिए। और वाटर टैंक के लिए हम यहाँ पे आपको लेके आ गए हैं, वाटर टैंक भी फिटिंग कर लेते हैं साथ ही में। और फिर पहले सबसे पहले दोस्तों आपको टंकी निपुल लगाना है, उसके बाद एडाप्टर लगाना है। एडाप्टर लगाने के बाद में गेट वाल लगाना है। अगर गेट वाल आप पहले नहीं लगाएंगे, यूनियन लगा देंगे, तो आपका गेट वाल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यूनियन खोलेंगे तो पानी सब निकल जाएगा टंकी से। गेट वाल टंकी के निपुल के आगे इसलिए लगाया जाता है ताकि गेट वाल बंद कर दें, पानी बाहर ना जाने पाए, और जो भी काम अपना करना है पाइप वहां से यूनियन खोल के हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले गेट वाल लगाया है, टंकी निपुल लगाने के बाद गेट वाल लगाया, गेट वाल लगाने के बाद में यूनियन लगाया। अभी देखिए जैसे मैं यूनियन लगा रहा हूँ वैसे लगाना है। और एक बात ध्यान रहे, ये जो मैं बाल वाल खोल रहा हूँ, गेट वाल खोल बंद कर रहा हूँ, इसे आपको भी कर लेना है, वरना जो सुलेशन लगाते हैं आप CVPC का, उसमें टाइट हो जाएगा, पकड़ लेगा, फिर वो घूमेगा भी नहीं, तब भी आपको काट के निकालना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप उसको घुमा लीजिए, यूनियन टाइट कर लीजिए। फिलहाल हमारा एक टंकी टी लगाना है। टी लगाने के बाद एयर पाइप, हम नीचे चल के पहले पाइप को सीधा कर लेते हैं। ये रहा हमारा वो पाइप, हम इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एल्बो लगा के 245 मार के ये हमने 1.5 इंची का पाइप ऊपर कर दिया है, मतलब 1.25 इंची बाय 1.5 इंची। इससे आपका फोर्स एकदम मेंटेन रहेगा, आराम से अच्छा से पानी आपका जितना लेवल में फोर्स में पानी चाहिए वो पानी आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहेगा। बाथरूम फिटिंग और वाटर टैंक फिटिंग का काम हम लोग का हो चुका है। अब चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में आपको एक नई अपडेट के साथ, तब तक